ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार हत्या में आरोपी जीतू फौजी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जीतू फौजी को कई घंटों की पूछताछ के बाद जिला अस्पताल में मेडिकल करवा कर भारी सुरक्षा में कोर्ट लेकर पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम। कोर्ट से जीतू फौजी ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, पुलिस ने मुझको फंसाया है, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं, मैंने नहीं चलाई गोली, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, पुलिस ने मेरे घर पर तोड़फोड़ की है। बुलंदशहर बवाल मामले में जीतू फौजी पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को गोली मारने का है गंभीर आरोप। खुद सुनिए क्या कहा जीतू फौजी ने। क्या कहना चाहोगे भैया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही मैंने गोली मारी है किसी को। मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, ना मैंने किसी को गोली मारी है। और मैं जो बोल रहे हैं भगोड़ा हूँ, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी डेट में 4 तारीख को हाजिरी रिपोर्ट की है मैंने। जी भैया बताए लोटे तोड़फोड़ की है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, वो चूंकि प्रोसिक्यूशन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही क्लियर सब हो पाता है। अभी आपका अगला कदम क्या होगा? हम नेक्स्ट डे बिल मूव करेंगे। रिमांड जीतू ने आपको कुछ बताया होगा, क्या जीतू का क्या कहना है? यही उसका कहना था कि मैं निर्दोष हूँ, मैं तो छुट्टी आया हुआ था, चूँकि मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी की मैरिज थी, मैं उसमें अटेंड करने आया था और 4 को मुझे ज्वाइन करना था, तो मैं ज्वाइनिंग की तैयारी के लिए निकल रहा था यहाँ से। बाकी मेरा उस ऑफेंस से तो मतलब नहीं। अभी कोई ऐसा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था डायरेक्ट। चूंकि आज रिमांड मजिस्ट्रेट भी थे, हो सकता है मे बी कि आगे अप्लाई करें, चूंकि आज रिमांड मजिस्ट्रेट थे, रेगुलर मजिस्ट्रेट नहीं थे, और उसके लिए फिर मुलजिम का स्टेटमेंट भी लेना पड़ता है, फिर कॉपी दी जाती है डिफेंस को। जीतू से उस बारे में कुछ पढ़ी अभी नहीं पूछा। ठीक जी। ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब।